इस लाइन का घर है रूबी में, तो बस जाएंगे और देखते हैं क्या होता है आज, कुछ अलग होता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। तो बने रही वीडियो में, और प्रियंका भी आ रही है बस। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो, कि मैं अभी बिल्कुल अच्छा। इस झमझम बारिश वाले दिन में कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं अभी एक क्लाइंट के घर, और प्रियंका दी इज फ्रेंड ऑफ यू फुल छाता के साथ, बारिश दोनों छाता लिए हुए हैं और मैं स्टैंड लगाया नहीं, इसलिए मैं पकड़ने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं अभी हाथ से चला रहा हूँ। ये A few moments later. बस। Oh no! प्रियंका भी पूरी गई। नहीं, इतने डीएम लोग एक नंबर चलते ना, दाड़ा 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 दाड़ा। और हम लोग को बस मिल गया है एयरपोर्ट का, अब एयरपोर्ट से फिर हम लोग एक्रोपोलिस चेंज करेंगे, देखते हैं मिलता है कि नहीं। यहाँ से तो मिलने का उम्मीद कम ही था, उससे हम लोगों ने सोचा कि एयरपोर्ट हम लोग चले जाते हैं, और मुझे नहला भी दिया भाई, भयानक वाला नहलाएंगे। एयरपोर्ट उतर के हम लोग एक्रोपोलिस का बस पकड़ ली हम लोग, बस खड़ा ही है वैसे। और यहाँ का हाल देखिए, थोड़ा सा देर बारिश हुआ है, उसमें पानी जम गया। ये बहुत कॉमन थिंग है यहाँ पे, मतलब बहुत ही कॉमन है पानी जम। जा रहे हैं बंगाली ब्राइड की मेहंदी लगाने, एंड नॉट ओनली ब्राइड, उनके साथ में हम बाकी लोगों को भी लगाएंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एक बंगाली ब्राइड कितना सुंदर मेहंदी लगवाती है, और उनके घर वाले कितने एक्साइटेड हैं, और हम दोनों भी बहुत एक्साइटेड हैं। बंगाली ब्राइड मेहंदी लगाते मीन्स क्या? हम लोग लगाते हैं बंगाली ब्राइड को भी, हाँ, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये कहूँ कि अभी आजकल बंगालीज को बहुत मतलब क्रेज हो गया मेहंदी का एंड ऑल। पहले मारवाड़ीज को था एंड बाकियों को था, अभी बंगालीज को बहुत क्रेज हो गया मेहंदी का, तो ये हमारे लिए अच्छा है हाँ, जो लोग लगा रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। अब प्रियंका दी मास्क नहीं पहनेंगी, अब ठीक है, देखते हैं कोई आता तो पहन देंगे। मतलब पहुंचने वाले हैं, उससे पहले सब पेट पूजा हो गया। ऐसा होता है ना बहुत टाइम की, बहुत सारे मैं किसी भी कस्टमर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत जन की होता है कि हमको पानी भी नहीं पूछते हैं, और बहुत जन इतना पूछ लेते हैं कि मेरा पेट फट जाते हैं। टाइप्स ऑफ कस्टमर मिलते हैं, तो उसलिए हल्का सा पेट को बैलेंस करके जाऊँ। पहुँच गए हम लोग कस्टमर के घर। प्रियंका जी क्या सोच रही हैं? तो हमारा काम कंप्लीट वहाँ पे, और जो ब्राइड थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई है काम से, हमारे काम से ऑलमोस्ट सारे खुशी होते हैं। प्रियंका दी आज जो की है, इतना बात करे जा रही हैं और काम भी की हूँ, हाँ काम की है, ऐसा नहीं है। तो प्रियंका दी का एक नया कंप्लेन आया है आजकल, कि प्रियंका दी बहुत बात करती हैं बट ये रोक नहीं पाएंगी और ये ज़रूरी है, और ये इसको देखिए यहाँ पे, हम यहाँ पे ये दिखता है कि लोग सपोर्ट भी करते हैं, वहीं पे एक जन है जो बोल रहा है आपको कि बात करना चाहिए। तो अभी हम लोग टाइम हो गया है 9:15 बज गया है, ठीक है, और अभी कुछ मिलेगा कि नहीं पता नहीं, अभी देखते हैं कैसा क्या जाना होगा। यही हमारे अभी यही प्रॉब्लम होता है कि आ तो हम किसी तरह जाते हैं, जाते वक्त हर जगह यही प्रॉब्लम होता है। मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में भी देखा होगा कितना कुछ मैं चेंज कर करके मैं गया हूँ, तो इसमें भी वही सेम हाल है।
कि भी जाएंगे कैसे, क्योंकि अभी 9 बजे के बाद थोड़ा सा रास्ता में थोड़ा गाड़ी वाड़ी कम ही जाता है। हम जाएंगे जरूर, घर तो हम जाएंगे ही, अभी देखते हैं क्या मिलता है। हम लोग ऐसे घूर रहे हैं कि पता नहीं हम लोग क्या ना क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यू वो उधर से आया और इधर तक चला गया, वो घूरते ही रहा। ठीक है सब चलते हैं, और कोई देख रहा है? अभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग कौन कौन देखता है, बस मैं ऐसे कैमरा करके जा रहा हूँ, ठीक है? देखते कौन कौन हम लोग घूरता है। आप तो घूर ही रही है, इसके अलावा एक हर एक जन देखते वो घूर रही है। नहीं जी शरीफ, नहीं नहीं दो लड़कियां देख रही है, देख रही देख रही देख रही देख रही देख रही देख रही इसीलिए मैं यहाँ से हट गई ना। अच्छा आपने कभी एक चीज मतलब गौर किया, जब आप कोई जगह नहीं जानते हो तो वहाँ जब जाते हो तो आपको लगता है कितना दूर है, कितना टाइम लग रहा है, और जब हम उधर से लौटते हैं ना तो टक करके पहुँच जाते हैं। अभी एक्रोपोलिस पर मतलब पहुँचने ही बात टक करके, हम लोग को बस मिल गया और हम लोग उसी बस में चढ़ गए जहाँ पे हम उसको लोग छोड़ के आए, तो मतलब वॉक कर रहे थे पीछे से वो बस आए उसी हम लोग चढ़ गए। 9 बजे के बाद में कर्फ्यू लग जाता है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए 9 बजे के बाद में कर्फ्यू लगता है और ऑलरेडी 9 बज चुका है, तो हम लोग आज इस भीड़ को एंजॉय करने वाले हैं। ये देखिए आज भी ये इवेंट हम लोगों को लोगों ने बहुत डराया कि 9 बजे के बाद तो कर्फ्यू लग जाता है तो आप लोग घर कैसे जाओगे। A few moments later, रूबी से हमने दूसरा बस पकड़ लिया, ये बस हम लोग को लेके जा रहा है एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से हम लोग फिर मैजिक करेंगे, तो यानी 3 बस चेंज करना पड़ा रूबी से उतनी से आने में हम लोग, तो यही होता है कि रात हो जाए तो ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। अभी थोड़ा दूर है, 10 मिनट आई 10 से 15 मिनट लगेगा और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट, टाइम तो थोड़ा सा लगता है, अब काम करने निकले तो टाइम नहीं आएगा। या 10 और हम लोग एयरपोर्ट उतर गए, अभी एयरपोर्ट से हम लोग लेंगे मैजिक। अच्छा खासा टाइम लग गया आने में, बट ठीक है इजी हो गया, हम लोग जितना टफ होगा वैसा कुछ नहीं हुआ, इजीली हम लोग आ गए। इतने रात को करीब 10 बजे हम लोग क्या खा रहे हैं, रोटी करो खा रहे हैं, चलिए बैठ जाते हैं। हम लोगों ने मिल गया मैजिक और ये मास्क भी पहनी है, रात को 10 बजे फाइनली हम लोग पहुंच गए डनलप, हमारा डेस्टिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और अब प्रियंका दी जाएगी अनन्या, यानी प्रियंका दी को ऑटो यहाँ से मिल जाएगा। मतलब अभी भी प्रियंका दी को एक व्हीकल लेना है, वो ऑटो लेना है, और ऑटो इजीली खड़ा है मिल जाएगा। मतलब 11 बज गए हमको यहाँ पहुँचते, तो प्रियंका दी गई, मैं भी जा रहा हूँ, अब मैं भी जा रहा हूँ अपने इधर पे, मतलब अपने घर पे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और नेचर का ख्याल रखिए, क्योंकि तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।